Hello everyone, I'm Dr. Vinay Suthar and I'm recently practicing with Dr. Sachin Mittal, Advanced Dentistry के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलिंग से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। मिथ्स को जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि स्केलिंग क्या है। स्केलिंग या जिसे हम प्रोफेशनल क्लीनिंग भी कह सकते हैं, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा डेंटिस्ट जो है वो हमारे दांतों में जमे हुए एक्स्ट्रा जो डिपोजिट्स हैं उन्हें क्लीन करते हैं। हमारे दांतों पे सॉफ्ट डेब्रिस प्रेजेंट रहती हैं जिसे हम प्लाक कहते हैं। यदि हम उस प्लाक को ब्रशिंग से अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो विद टाइम वो सॉफ्ट डेब्रिस हार्ड डेब्रिस में कन्वर्ट होती है जिसे हम कैल्कुलस कहते हैं, जो टार्टर भी कह सकते हैं। स्केलिंग जो है उस प्रोसीजर में ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिट्स हैं कैल्कुलस या जो टार्टर है उसे क्लीन किया जाता है और हमारे दांतों की हेल्थ को रिस्टोर किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला मिथ है कि स्केलिंग करवाने से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्केलिंग के प्रोसीजर में सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिपोजिट्स हैं यानी जो कैलकुलस और प्लाक है उसे हटाया जाता है और इससे दांतों के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा मिथ आता है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है। स्केलिंग कराने से किसी भी तरह से दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में सेंसिटिविटी हो सकती है बट ये कंडीशन टेम्परेरी होती है जो थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाती है। या आप कोई भी एंटी सेंसिटिविटी या डी सेंसिटाइजर टूथपेस्ट या माउथवॉश यूज कर सकते हैं। तीसरा जो मिथ आता है वो ये है कि दांतों की स्केलिंग कराने से उनमें गैप आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दांतों के अंदर नेचुरली गैप होता है जिसमें कि जो डेब्रिस हैं या जो हार्ड डिपोजिट्स हैं वो फंस जाते हैं और उस स्पेस को क्लोज कर देते हैं। पर जब हम उन डेब्रिस को हटाते हैं तो उस स्पेस हमें फिर से दिखने लग जाता है जिससे कि लोगों को लगता है कि उनके दांतों में स्पेस आ गया है। बट ये स्केलिंग से किसी भी तरह का स्पेस क्रिएट नहीं होता है बल्कि जो मसूड़े हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है और वो जो नेचुरल गैप है उनमें मसूड़ों की थोड़ी ग्रोथ रहेगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। चौथा मिथ जो है वो आता है कि स्केलिंग करवाने के बाद हमें काफ़ी दर्द होगा, यानी पेन की जो फियर है हमें वो सबसे कॉमन रहना है पेशेंट्स में। स्केलिंग के प्रोसीजर में हमें किसी भी तरह से कोई पेन नहीं होता है। स्केलिंग जो है वो हम अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें फील हो सकता है बट किसी भी तरह से हमें एनेस्थीसिया यूज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की वजह से थोड़ा सा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या कुछ पेशेंट्स को ऐसे फील होता है कि उनकी टूथ सरफेस से कुछ चीज स्क्रैप ऑफ हो रही है या कुछ निकल गया है क्योंकि वो जो हार्ड डिपोजिट्स थे उन्हें हम स्केलिंग से क्लीन कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा फील हो सकता है बट ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहता है। तो हम यदि अपने मसूड़ों की और दांतों की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो हमें टाइम टू टाइम रूटीन डेंटल चेकअप करवाना चाहिए और इफ़ नीडेड है तो स्केलिंग भी करवानी चाहिए। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या आप हमें विजिट कर सकते हैं डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री मॉडल टाउन हिसार। थैंक यू।